हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर एविल डेक्सा रिएक्ट कर जाए या फिर वो प्रॉपर रूप से काम ना करे तो उसके जगह पे आप कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो थंबनेल देख के आपको भी पता लग गया होगा कि एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि एक हायर लेवल की दवा होती है, स्टैंडर्ड 1 की दवा होती है। पूरा बताएंगे आज आपको इस इंजेक्शन के बारे में। और अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए मिलिए सबसे पहले हमारे इंजेक्शन, एक जो हाइड्रोकॉर्टिसोन सक्सिनेट इंजेक्शन होता है, जो जिसका कि ब्रांड नेम जो कि मार्केट में उपलब्ध है वो प्राइमा कार्ड के नाम से उपलब्ध है। मैं आपको इसको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए कि देखने में कैसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने में कुछ ऐसा होता है। इसके 2 से लेकर 3 प्रकार के जो वेरिएंट हैं जो कि ऐसे फॉर्म में यानी कि इंग्रेडिएंट फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध हैं, वो बेसिकली 100 mg और 200 mg का जो वेरिएंट है वो देखने में कुछ ऐसा होता है, और 400 mg का वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध है। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 100 mg के करीब 47 रुपये, 200 mg के करीब 70 रुपये। जो इसकी पैटेंट कंपनी है मैकलियॉट के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी, या हो सकता है कि हाइड्रोकॉर्टिसोन सक्सिनेट का इंजेक्शन आपके जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग नामों से मिले। हो सकता है कि यह कॉर्टी 6 के नाम से हो, या कॉर्टिस्टेरॉइड 6 के नाम से हो, या फिर कॉर्टिस्टेरॉन के नाम से आपके जो एरिया है उसमें उपलब्ध हो सकता है। बेसिकली आप ये जरूर देख कर लें कि हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन हो और किसी दूसरे प्रकार का इंजेक्शन ना हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कहां कहां पे प्रयोग किए जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जहां पे इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं किसी भी बात को बताने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप किसी भी इंजेक्शन का प्रयोग जो आज बताया जा रहा है, जो भी दवाएं आपको प्रकाश फार्मा चैनल के माध्यम से बताई जा रही हैं, उनका प्रयोग बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना करें। कभी भी आप कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क जरूर करें, उसके बाद उन दवाओं का सेवन करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके प्रयोग की। तो जो बेसिकली हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन होता है वो एक हाइड्रोकॉर्टिस्टेरॉइड स्टैंडर्ड की दवा होती है, कैटेगरी की दवा होती है। एक ऐसी प्रकार की दवा होती है जो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है उसको सप्रेस करती है, यानी कोई भी ऐसी एलर्जी फॉर्म हो रही है या फिर इन्फ्लामेशन फॉर्म हो रहा है जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो सब इन्फ्लामेशन को सप्रेस करती है और आपकी बॉडी को प्रॉपर कोऑर्डिनेट तरीके से चलाने में आपकी सहायता करती है। चलिए हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर ऐसे डिजीज की जहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, चाहे अस्थमा से संबंधित हो, COPD से संबंधित हो, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यानी गठिया रोग की प्रॉब्लम है जिसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपके सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, या आपके स्किन में एलर्जी है, आपके जो स्किन है उसमें रेचेस पड़ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, या फिर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका जो फिनरामिन है या डेक्सा है या बेटामेथासोन है, ऐसे कुछ प्रकार के स्टेरॉयड या ऐसे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जो काम नहीं कर रहे हैं, उस जगह पे आप स्टैंडर्ड 1 की दवा हाइड्रोकॉर्टिसोन सक्सिनेट का इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी प्रकार की दवा होती है जो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं किसी भी दवा को खाने से या फिर किसी इंजेक्शन को लेने से या फिर कुछ ऐसे प्रकार के बॉडी इन्फेक्शन से जो आपके शरीर में हो रहे हैं उन सबको सप्रेस करती है और आपके जो बॉडी है प्रॉपर रूप से काम करता है। चलिए हम कुछ अलग प्रकार के बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको आई इन्फेक्शन है यानी विजन में कोई दिक्कत हो रही है, इमरजेंसी केसेस में मेडिकल में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको कैसे लिया जाता है। आप इसका इंट्रावेनस लेंगे, इंट्रामस्कुलर लेंगे कि कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली जो इसका एक्शन होता है, मैकेनिज्म एक्शन होता है, वो रूट किस रूट पे आप हाइड्रोकॉर्टिसोन सक्सिनेट का प्रयोग कर रहे हैं इस आधार पर निर्भर करता है। अगर आप हाइड्रोकॉर्टिसोन सक्सिनेट का प्रयोग IV के रूप में कर रहे हैं यानी इंट्रावेनस कर रहे हैं तो आपको जो रिस्पांस देखने को मिलेगा काफ़ी रैपिडली देखने को मिलेगा, काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगा। अगर इसी स्थान पे आप इंट्रावेनस या इंट्रासबक्यूटेनियस का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जो रिस्पांस होगा हल्का सप्रेस धीमा धीमा दिखाई पड़ेगा। अक्सर इमरजेंसी केसेस में, मेडिकल केसेस में इसका प्रयोग IV ही किया जाता है ताकि जो पेशेंट होता है उसे रिस्पॉन्स जल्दी से देखने को मिल जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं उस टाइमिंग की जहाँ पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस इंजेक्शन को लेने के बाद आपको इस इंजेक्शन का इफेक्ट जो होगा 5 से लेकर 15 मिनट में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि बहुत रैपिडली एक्शन करता है। जो इसकी डोज होगी वो अकॉर्डिंग टू बॉडी सर्फेस एरिया, एज और वेट के अनुसार जो इसकी डोज होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है।
लेकिन आप फिर भी चाहें तो 100 mg का इंजेक्शन जो होता है 18 साल से लेकर 30 साल के पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 200 mg का इंजेक्शन होता है और 40 से लेकर 60 साल के बीच के पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो 400 mg का इंजेक्शन होता है मेडिकल इमरजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी इन सब दवाओं का प्रयोग बिना डॉक्टर के संपर्क के नहीं करना चाहिए। ये जो आपको बताई जा रही है बेसिकली एक सलाह है। इसको लेने के बाद आपको साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका कुछ मूड जो है स्विंग कर जाए, यानी आपको सोचने की क्षमता कुछ समय के लिए कम हो सकती है, या आपका जो विजन है हल्का सा ब्लरिंग हो सकता है, आपकी आंखों से हल्का आंसू आ सकता है, या फिर आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको इस इंजेक्शन लेने के बाद दिखाई पड़ेंगे। ये रहा आज हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो हाइड्रोकॉर्टिसोन सक्सिनेट इंजेक्शन के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज इसके बारे में आपको बताया गया होगा मेडिकल से रिलेटेड या फिर इमरजेंसी केसेस में आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाके उसका नाम बोल सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस इंजेक्शन से संबंधित या किसी भी दूसरे मेडिसिन से संबंधित पूरी जानकारी दी जाए। बने रहें इस प्रकाश फार्मा चैनल के साथ, आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दें जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।